हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर के पिच रिपोर्ट के बारे में। आपको पता होगा कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, उसमें का जो थर्ड लास्ट मैच होने वाला है, वो जो है आपको इंदौर ग्राउंड पर होने वाला है T20, जो कि लास्ट वाला होगा। इसके पहले अगर आपने दोनों T20 देखा होगा, तो पहला T20 बॉलिंग फ्रेंडली था, दूसरा T20 बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कन्वर्ट हो गया और रन जो है वो बहुत ही भरमार सा जो है वो देखने को मिला। तब बात करते हैं कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम किस तरह से जो है वो बिहेव कर सकता है, तो किस तरीके से ये जाना जाता है। लेकिन उससे पहले अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते कि विनर सेशन इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठाया जाए, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है। लास्ट में जो आप देखोगे तो हमने सेशन बहुत ही बढ़िया से 4 पास किए थे और विनर तो सबको पता ही था। इसके अलावा जो है देखोगे तो इंटरव्यू में रेट नहीं मिला था, हालांकि सेशन में जो है बहुत ही बढ़िया सबने प्रॉफिट उठाया था। तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, और साथ में आप जो है कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में। तो ये जो है इंदौर इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में जो है आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। अब इस ग्राउंड की बात करते हैं, तो ये ग्राउंड जो है जाना जाता है अपने बैटिंग फ्रेंडली पिच के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे मैचेज हुए हैं, चाहे वो ODI के मैचेज हो, T20 के हो, या फिर इसके अलावा जो है आप डोमेस्टिक के मैचेज देखोगे। अब यहाँ पे अगर लास्ट के दो T20 मैचेज आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक मैच में जो है 260 रन बनाया था इंडिया ने, और एक मैच जो था वो काफ़ी जो है कम बनाया था, लोवेस्ट स्कोर था 142 श्रीलंका बनाया था। तो अब इन दोनों मैचों के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा कि श्रीलंका उस समय अच्छे फॉर्म में नहीं था, 142 बना दिया। इंडिया काफ़ी अच्छे फॉर्म में, उसमें साथ 260 बना दिया। तो इस तरह का जो है वो सीनरियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक मैच उठा कर देखोगे तो आपको एवरेज फर्स्ट बैट यहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 160। लेकिन यहाँ पर जो हाइएस्ट रन है वो है 245, जो कि कोलकाता ने बनाया था। तो एवरेज आप डोमेस्टिक मैचों में देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा जो है यहाँ पे एवरेज है। इसके अलावा हाईएस्ट रन भी बहुत ही बढ़िया से यहाँ बना है। इसलिए आप कहोगे चलो ODI में कम रन बनता होगा, तो ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो भी है, ODI में भी ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एवरेज रन ही जो है यहाँ का 310 के आसपास जो है एवरेज रन है ODI में। और ODI में जो यहाँ पे हाईएस्ट बना है वो बना है इंडिया ही बनाया था 418 रन। तो आप सोच सकते हो कि ये ग्राउंड जो है किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर भी जो है ODI में वो 225 रन है, जो कि साउथ अफ्रीका बनाया था। तो इस तरीके से जो है ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा बैट पे आता है, और बॉलर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि मार ना पड़े, लेकिन बॉलरों को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। इस तरह का ग्राउंड जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये ग्राउंड जो है वो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 200 रन स्कोर करो और उसे डिफेंड करो ऑन पेपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। ये ग्राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, और इसका रीज़न भी है कि सीधा जो है यहाँ पे बैट जो बॉल है वो सीधा बल्ले पे आता है। पिच में उछाल बहुत ही बढ़िया से मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता कि वो बाउंस हो जाए, या इतना कम नहीं मिलता कि वो जो है बल्ले के नीचे रह जाए। यानी कि बॉल कहीं भी डालोगे सीधा बल्ले पे आएगा, और जब सीधा बल्ले पे आएगा तो देखो कोई भी बैट्समैन होगा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन मारेगा। तो लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि जो जो प्लेयर जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है या काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको लेके यहाँ पे चल सकते हो। और ऐसे भी आप अगर देखोगे तो इंडिया सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो कोशिश यही करेगा कि इंडिया की तरफ सबको जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। तो अब ऐसे ऐसे प्लेयर होंगे तो आप देखोगे कि किसी प्लेयर को जो है रेस्ट जरूर दिया जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सा जो है आपको मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक इंटरटेनिंग मैच होगा कि जहाँ पे रन भी जो है बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा बनेंगे, और बहुत सारे जो है बैट्समैन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से जो है पिटाई करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है जो अच्छे फॉर्म में है वो उनके लिए तो है, आप उनको पिक करके चलोगे। कोशिश यहाँ पे करना, अगर आप डीम इलेवन के लिए टीम बना रहे हो या फिर आप किसी फैंटेसी लीग के लिए टीम बना रहे हो, तो कोशिश यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी बैट्समैन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है कल प्लेइंग इलेवन में रहेगा तो आप पिक कर लेना। क्योंकि अगर कल का जो मैच है ना, कल का मैच जो है वो खेलने का दोनों टीमों का कोई मतलब नहीं, बस एक प्रैक्टिस मैच होगा, तो दोनों टीमें जो है उसी हिसाब से खेलेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है जो भी खेलेगा उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पिक करके चलना है, और जो अच्छे फॉर्म में है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा से जो है रन बना सकता है। अब ये तो हमने बात कर लिया कि बैट्समैन की, अभी तक बस बैट्समैन बैट्समैन की बात किया है, अब देख लेते हैं बॉलर के हिसाब से क्या रहता है। तो बॉलर को जो है यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, ये जो है बिल्कुल रियलिटी है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता भी है तो वो मिलता है स्टार्टिंग के टाइम में। यानी कि पीछे जब थोड़ी थोड़ी जब पहली बार
खिलाई जाती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा स्विंग होना शुरू करे। जब थोड़ा सा स्विंग होता है तो स्विंग में जो है आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मदद मिल सकता है शुरुआत के एक दो ओवर में। उसके अलावा बीच में स्पिनर को जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाना चाहिए, वो भी इस वजह से कि अगर कोई फ्लाइटेड स्पिन कराता है तो हो सकता है कि कैच वैच दे दे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है कि बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। और बाउंड्री पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बड़ा बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो बाउंड्री पे जो है वो मीडियम टाइप का बाउंड्री है, तो इससे चलते जो है रन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आता है। अब आप जो भी थोड़ा सा जो है स्पीड वेरिएशन वाले बॉलर्स है, जैसे लुंगी नगेटी हो गए, तो उनको हो सकता है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगर आप बॉलर जैसे जो एक तीन चार पिक ना पिक करना तो मैंडेटरी है, तो आप उसके हिसाब से जो है जो भी कुछ इस टाइप के बॉलर है आप उनको पिक कर सकते हो जो कि स्पीड के वेरिएशन करते हैं। तो अगर स्पीड के वेरिएशन करेंगे तो बॉल जो है वो सीधा बल्ले पे आने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वैसे बॉलर को जो आप यहाँ पर पिक कर सकते हो जो कि आपके लिए थोड़ा सा एक जो आपका एवरेज होगा वो बचाने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे चेसिंग कैसा रहेगा, नाइट का क्या प्रॉब्लम रहेगा, तो आप देखो कि जो को मैचेज जो है वो 7 बजे से शुरू होता है, नाइट का हल्का सा इशू तो आता है। और जो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है इंदौर में, तो यहाँ पे ड्यू जो है वो आता है, ऐसा नहीं कि ड्यू नहीं आता है। जैसे हमने कल देखा, कल ड्यू नहीं आया था फिर भी 200 रन जो है दोनों इनिंग में बने। तो अब यहाँ पे जो है ड्यू उतना अच्छा नहीं इतना अच्छा जो है वो नहीं आता था गुवाहाटी में, लेकिन यहाँ पे जो है ड्यू आता है। और यहाँ पे जब ड्यू रहेगा, अगर मौसम में बादल वाला मौसम रहेगा तो ड्यू थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर बादल वादल नहीं रहेगा तो ड्यू के चांसेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा जो है ड्यू आपको देखने को मिलेगा। और उसका बेनिफिट जो है आपको सेकेंड इनिंग में भी जो है दिखाई देगा। तो अगर सेकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में भी जो 200 रन के आसपास बनता है, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि हाँ ये रन अभी भी जो है वो चेस होने का टारगेट रहेगा, कि चेस हो सकता है। लेकिन ऑन पेपर आप कह सकते हो कि 200 रन बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी शुरुआत से ही जो है वो 10 से ऊपर का हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है चेसिंग करने में थोड़ा मुश्किल तो आता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इस तरह का जो है ग्राउंड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखोगे जो दो इंटरनेशनल मैचेज यहाँ पे अभी रिसेंट में हुए, उनमें से एक फर्स्ट बैट जीता, एक सेकंड बैट जीता है। और फर्स्ट बैट जो जीता था 260 रन बनाया था, इंडिया ने बनाया था। और एक जो है लोएस्ट स्कोर 142 रन जो कि श्रीलंका ने बनाया था। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो आप देखोगे 150 नीचे एक स्कोर है और 190 से ऊपर एक स्कोर है। डोमेस्टिक में यहाँ पे 9 मैचेज जो है हुए हैं अभी तक, और जिनमें से एक जो है फर्स्ट बैट जीता है और 8 जो है सेकेंड बैट जीता है। और इसे आप उम्मीद लगा सकते हो कि जो भी यहाँ पे टॉस जीते उसे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और फर्स्ट बैट एवरेज यहाँ पे 160 है, और यहाँ पे हाईएस्ट देखोगे 245 है जो कि KKR ने बनाया था, और लोएस्ट 88 रन है जो कि पंजाब ने बनाया था। और स्कोरिंग पैटर्न जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो विनर सेशन एंट्री में बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट उठाएं, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर डिस्कस करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट बनाने की जर्नी हो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।